रेंज कितनी आ रही है इसकी, आपको ये भी दिखाना है मुझे, देख लीजिए। ये हमारा अब बिल्कुल भी देख लो, अभी तो एंटीना भी नहीं लगाया मैंने इसे में, और मैं इसे कुछ इस जगह पे ले लेता हूँ। अब देख लीजिए काफ़ी दूर है, जब भी प्रॉपर काम कर रहा है। आज हम समझने वाले हैं किस तरीके से आरसी कार की रेंज को बढ़ाने वाले हैं। यदि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा, यदि आप स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चीज़ें काफ़ी सारी आपके से मिस हो जाएंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो यदि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट का पता चल जाएगा, और इस फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी कार हो आपकी, 8 चैनल हो, 10 चैनल हो, 12 चैनल हो, वो सब रिपेयर हो जाएगी। यदि उसका ट्रांसमीटर भी ख़राब है तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो किस तरीके से करते हैं हम, बिल्कुल एकदम ख़राब से ख़राब कंडीशन को देखेंगे, किस तरीके से हम आरसी कार की रेंज बढ़ाते हैं। ये ट्रांसमीटर चल नहीं रहा तो हम किस तरीके से करते हैं, हम 100 मीटर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी रेंज को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और मेरी गारंटी है आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं हम। मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप की आरसी कार हैं जिनमें सेम प्रॉब्लमें आती हैं, ऐसी और भी टाइप की होती है आरसी कारें जिनमें भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला इस पे रन करके दिखाऊंगा, इस टाइप की भी हमारी आरसी कारें होती हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं इसमें करके दिखाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी खोल के रखी है और मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे साइड में रख देता हूं। तो अभी मेरे पास ये आरसी कार है, इस आरसी कार को मैंने ओपन कर दिया है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। ये इसका ढक्कन है जिसमें हमें एक चार्जिंग का सिस्टम भी करना था, तो इसे अभी हम आज नहीं समझेंगे, इसे हम समझने वाले, ठीक है। तो अभी ये हमारा बैटरी का कनेक्शन, अभी हम बैटरी का कनेक्शन है, बैटरी का वायर है जिसे मैं जोड़ देता हूँ। तो अभी ये यहाँ से ऑन है हमारी आरसी कार, ठीक है। तो देखिए ऑन कंडीशन में है तो मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा, यहाँ से मैंने इसे ऑफ़ कर दिया, और मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी को यहाँ से। तो मेरी बैटरी कनेक्ट है, पहले मैं आपको चेक कराऊंगा पूरा सिस्टम कि ये वर्किंग में है कि नहीं है कार, फिर उसके बाद में हम इसमें कनेक्शन करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने इस कार में रिमोट के सेल लगा दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसे बंद कर दिया है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ऑन कर दूँगा। ये मैंने ऑन कर दिया है, ये मैंने ऑन कर दिया, देख लीजिए ये हमारी कार ऑन हुई है। अब मैं देख लीजिए इसे दाब रहा हूँ, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल पास से भी कर रहा हूँ तो भी काम नहीं कर रही है। तो आपकी कंडीशन में क्या होगा, या तो पास से चला रही होंगी तो चल रही होगी, या बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी जिस तरीके से मेरी काम कर रही है। और मैंने इसमें सेल भी लगा रखे हैं। अब मैं आपको एक बार सेल के वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ कि मेरे कहीं आप बोलो सेल डिस्चार्ज है सर आपके, तो मैं आपको सेल के वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मीटर ले लिया है, मीटर से देख लीजिए, मैं आपको सेल की वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे हम, एक मिनट, इसे वोल्टेज मोड पे रखूँगा मैं, और मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। देख लीजिए 2.6560 के समथिंग आ रहे हैं इसके वोल्टेज, तो इसका मतलब ये हमारे सेल तो चार्ज है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये चल क्यों नहीं रही, तो अब इसे ऑन करने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे इसमें प्रॉब्लम आई क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इस ट्रांसमीटर को बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। मैं इसे अभी निकालता हूँ बाहर की तरफ, देख लीजिए मैंने इसे बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल ये इसमें प्रॉब्लम आई क्यों, ये आपके साथ भी आएगी, ठीक है। और कई लोग YouTube पे बोलते हैं कि आप पूरे ट्रांसमीटर को चेंज कर लो, तो मतलब क्या हुआ उनका सिखाने का, और या फिर आप इस चीज़ को चेंज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ हम चेंज भी कर ले, लेकिन ये लाएंगे कहाँ से, दूसरी कार से थोड़ी खोलेंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो ये ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है, ये ट्रांसमीटर की मेन आईसी होती है। मेन आईसी में क्या होता है कि एक हमारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है यहाँ पे, ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो मेन इसके कारण होती है, तो ये सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है जिसके कारण हमारी कार वर्क नहीं कर पाती 1% भी, ठीक है। तो जब तक इसे सिग्नल नहीं मिलेगा, कौन सा वाला सिग्नल, जो कि इस रिमोट से आता है, तो इस रिमोट में भी सेम इसी तरीके की बैलेंस की हुई फ्रीक्वेंसी होती है जो इसे रिसीव होती है, तभी आईसी हमारी वर्क करती है। तो अब हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि ये तो हमारा फेल हो गया, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी दे सके और उसे हम इसको दे सके, ठीक है।
तो अब ये सिस्टम क्या होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इस तरीके के मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, इन्हें RF मॉड्यूल बोला जाता है। इनसे हम वॉइस सिग्नल या कोई भी सिग्नल हमें ट्रांसफ़र करना हो उसे हम भेज सकते हैं। इसकी वीडियो, इसके बारे में जानना है आपको तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इसकी मार्केट प्राइस मैं बता देता हूँ, ये मार्केट में आपको 80 से 90 रुपये का मिल जाएगा। यदि आप और भी सस्ता लेना चाहते हैं तो और भी सस्ते आते हैं 40 से 50 रुपये के, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ और मैं और सस्ते वाले आएंगे उनका भी यूज़ आपको करके दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो अभी मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ, इनके कनेक्शन कैसे होंगे वो बताऊंगा। और जब हम इन्हें लगा देंगे तो इस गाड़ी की रेंज 100 मीटर हो जाएगी। ये हमारी 100 मीटर रेंज के होते हैं, तो इन्हें किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर उसे आज हम देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें ये अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी जनरेट करके उस डेटा को इसे IC को ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हमारा ये वर्क करेगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिमोट को खोल लेंगे, ठीक है। मैं इस रिमोट को खोल लेता हूँ। तो यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो अभी हम इन्हें किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इस मॉड्यूल को हम मार्केट में RF मॉड्यूल के नाम से देखते हैं। ऑनलाइन ये RF मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा 434 MHz फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, 434 MHz पर काम करता है ये, ठीक है। तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है अपनी एक। तो अभी हमने क्या किया कि इसे इसके ये सारे निकाल दिए हैं, अभी हम इसे साइड में रख देंगे और हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिमोट है, देख लीजिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, 1% भी, और बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमोट में भी कनेक्शन करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिमोट में लगेगा, ये हमारा इस कार में लगेगा। यहाँ से सिग्नल उसको जाएगा और वो इस IC को सिग्नल देगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के कनेक्शन करने होंगे। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं देख लीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो अब हम सबसे पहले कनेक्शन कैसे करेंगे, हम इसमें देख लेते हैं। तो जब आप इसे पलट के देखोगे तो यहाँ पे डिटेल से लिख रखी है, किस तरीके से लिख रखी है, ये तो हमारा है 5 वोल्ट का, आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा है 5 वोल्ट, ये हमारा डाटा, ये हमारा ग्राउंड, और यहाँ पे है हमारा एंटीना, 5 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट करने होंगे हमें वायर। तो ठीक है, मैं रेड वाले वायर को, जो कि रेड वाला वायर है, उसे मैं 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं भी कनेक्शन करता हूँ इसके, तो मैंने 5 वोल्ट पर कनेक्शन कर दी है। फिर उसके बाद में मैं ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ब्लैक वाले वायर को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक येलो वाला वायर ले लूँगा, येलो रंग का वायर, ये हमारा डाटा का वायर हो गया, सिग्नल का वायर हो गया, यहाँ से हमें सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। इसे मैंने इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे इसके वायर हो गए, ठीक है। एंटीने का वायर है जो आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, एंटीने का वायर भी है, आपके कार में एंटीना है तो उससे जोड़ दीजिए, ये तो आप वायर अटैच कर दीजिए। वैसे भी विदाउट एंटीना भी इसकी रेंज मिलती है अपने को काफ़ी। तो अब ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा सिग्नल वायर जो कि हमारा डेटा से आ रहा था, आप देख लीजिए बिल्कुल इसके कनेक्शन देख लीजिए किस तरीके से मैंने किए हैं, ठीक है। तो ये इसके कनेक्शन हो गए। अब इसके बाद में हमें इसे इस कार में लगाना है। तो इस मॉड्यूल के पॉजिटिव वायर को, बैटरी का जो वायर होगा, ये मेरा बैटरी का वायर है जो कि नीचे से आ रहा है, इसे मैं स्विच के साथ हमारे जुड़ रहा है, तो हम उस जगह कनेक्ट करेंगे जहाँ पे स्विच से सप्लाई पास हो, हम बैटरी पे कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम यहाँ लगाएंगे इसे, ठीक है, स्विच के पास लगाएंगे। अब जब भी हम इसे ऑन करेंगे तभी हमारा ऑन होगा, ठीक है। जो नेगेटिव वायर है उसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे सीधा हम यहाँ इसके नेगेटिव से, ये जो हमारी प्लेट है इसके नेगेटिव से हम सीधा नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिया। तो देख लीजिए बिल्कुल, अब मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको पूरा, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन किया है मैंने। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने क्या किया, नेगेटिव को तो नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर दिया बैटरी के से, और पॉजिटिव को क्या किया मैंने, जो हमारा स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल पे, इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया। क्यों किया कनेक्ट, क्योंकि यदि हम बैटरी पे लगा देते तो ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता, ठीक है। तो इस वजह से हमने बीच वाले पॉइंट पे टच किया, जब हमारा जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तब ये ऑन होगा, ठीक है। तो ये करती, अब हमारा बचा सिग्नल वायर, अब इसे कहाँ लगाना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो इसे हम कहाँ लगाएंगे, तो इसे हम देखेंगे, देख लीजिए, जो हमारा ये
सेटअप होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का, इसमें दो वायर मेन होते हैं यहाँ पे। तो इन दो वायर में यदि आप देखोगे तो एक वायर हमारा इस ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी जनरेट करने का होता है, जहाँ पे ये हमारा ये गोला लगा हुआ होता है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे दो वायर होते हैं, देख लीजिए, दो इसके, ये दो हमारे खाली होते हैं लेकिन ये दो वायर हमारे सर्किट में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर पे जा रहा होता है एक वायर, तो हमें इस पे टच नहीं करना है, हमें इसके बगल वाले वायर पे टच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिग्नल वायर को इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, मैं सिग्नल वायर को इसके साथ जोड़ देता हूँ, देख लीजिए मैंने सिग्नल वायर को इसके साथ जोड़ दिया। तो ये हमारे इसके कनेक्शन हो गए। ठीक है, तो ये अभी हमने गाड़ी के कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, सिंपल कनेक्शन है, अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे रिमोट के कनेक्शन। तो रिमोट के कनेक्शन कैसे करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, दो वायर ले लूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने दो वायर ले लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें पीछे लिखा हुआ भी है, ग्राउंड डाटा BDD और एंटीना। BDD हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव BDD है हमारा, तो इस पे हम पॉजिटिव कनेक्ट वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। तो मैंने पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड हमारा है लास्ट में, तो लास्ट वाले पे हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से सारे कनेक्शन समझाऊंगा लास्ट में, तो आप पूरी वीडियो में बने रहे। तो अभी मैंने इसको साथ कनेक्ट कर दिया है, देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, जो ये सिग्नल वायर है, इस सिग्नल वायर को, येलो वायर को, डाटा वायर को, मैं जो कि हमारा डाटा होगा इसका, जो कि उससे हमें भेजना है, उसे मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, देख लीजिए किस तरीके से कनेक्ट किया मैंने, देख लीजिए। मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ गौर से, देख लीजिए। BDD पे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया, एंटीना का, इसमें भी एंटीना होता है। आप एंटीना, यदि रिमोट में एंटीना है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए उसको, और भी अच्छी आपको रेंज मिलेगी। और ये हमारा BDD, डाटा और ग्राउंड। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को सीधा इसके साथ जोड़ दो, जो हमारे सेल से हमें मिल रहा है आउटपुट। जोड़ दिया पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर को मैं इसी में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, देख लीजिए। फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, सिग्नल वायर, अब इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये, इसमें इसके साथ नहीं जुड़ेगा ये कहाँ जुड़ेगा बताता हूँ मैं। बस इसी जगह पर लोगों के साथ गलती हो जाती है और वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं इसे खोल देता हूँ, ये कहाँ जुड़ेगा देख लीजिए, और आप देख लीजिए रिमोट पे कहाँ। सबसे पहले आप इसे पलट लेंगे, तो ये इन दोनों सिग्नल पे नहीं जुड़ के, न तो इस पे जुड़ेगा ना इस पे जुड़ेगा, ये कहाँ जुड़ेगा देख लीजिए। तो ये जुड़ेगा हमारा, हमें जो इस जगह पे IC होती है, हमें वो पिन फाइंड आउट करनी होती है जिस पे एक साथ दो रजिस्टेंस आकर मिलते हैं। तो आप जब इसमें देखोगे तो ये वाली जो ट्रैक है, इस पे एक साथ दो रजिस्टेंस, ये वाला रजिस्टेंस भी और ये वाला रजिस्टेंस भी। मैं आपको बता देता हूँ जूम करके, वो आपको इस IC की उस पिन को फाइंड करना है जिस पे दो रजिस्टेंस एक साथ आके चोच मारते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये वाला रजिस्टेंस और ये वाला रजिस्टेंस, SMD रजिस्टेंस है, दोनों आके यहाँ पे चोच मार रहे हैं पिन नंबर 3 पे। ठीक है, ये वाला रजिस्टेंस यदि आप गौर से देखोगे तो ये ट्रैक एक ही ट्रैक है, देख लीजिए ये ट्रैक और ये ट्रैक, ये इस पे आके मिल रहे हैं। तो हमें इसी पिन पे लगाना है, सेम ही अदर रिमोट में होगा, आप कोई सा भी रिमोट देख लेना, तो किसी में इधर होगा वो पिन या किसी में इधर होगा। तो इस वाली में इधर है ये वाली पिन, तो हम इधर कनेक्ट करेंगे। तो मैं पिन नंबर 3 में, ठीक है, यहाँ से, तो मैं यहाँ कनेक्ट कर लूँगा इसे। तो देख लीजिए मैं इसे यहाँ कनेक्ट करूँगा, मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे यहाँ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा को दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ, अब हमारे इसके कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे एक बार ऑन करके देखेंगे यहाँ से कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता। मैंने इसे ऑन कर लिया, देख लीजिए बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। और बिल्कुल भी रिमोट काम नहीं कर रहा था, प्रॉपर काम कर रही है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देख लीजिए ये हमारा यहाँ रखा हुआ है। अब मैं आपको, देख लीजिए इसका ये सिग्नल वायर है, इसे हटा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ से।
तो अब इसको यहाँ से कोई सिग्नल नहीं जा रहा। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब मैं प्रॉपर काम करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। लेकिन जब मैं ये सिग्नल वर्क, अब देख लीजिए, मैंने इसे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इसे मैंने दाब रखा है, देख लीजिए बिल्कुल दाब रखा है। अब देख लीजिए जब मैं इसे टच करूँगा यहाँ चलने लग जाएगा सिग्नल, दाब रखा है बिल्कुल प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है हमारा। तो अब जब मैं इसे छोड़ दूंगा टच टच करूँगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको एक बार इसका एक बार दूर से भी डेमो दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे जोड़ दिया है, अब मैं एक बार आपको दूर से इसका डेमो दिखाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस रिमोट को हाथ में ले लेंगे, भाई रेंज कितनी आ रही है इसकी, आपको ये भी दिखाना है मुझे। देख लीजिए ये हमारा, अब बिल्कुल भी देख लो, अभी तो एंटीना भी नहीं लगाया मैंने इसे में, और मैं इसे कुछ इस जगह पे ले लेता हूँ। अब देख लीजिए काफ़ी दूर है, जब भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो आपने जैसा कि देखा किस तरीके से मैंने इसे रिपेयर की, और काफ़ी लंबी दूरी आ गई इसकी, और जो तो मैं अभी इसमें एंटीना भी नहीं लगाया हूँ। तो जब हम इसमें एंटीना कनेक्ट कर देंगे तो ये और भी लंबी हो जाएगी। तो अब हम इसे वापस से प्रॉपर एक बार सेट करेंगे इसे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस रिमोट को हम ऐसे कैसे लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और इसे हम अंदर ही कहीं चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे हम इसे, या फिर यहाँ चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे रिपेयर करना सीखा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मैं आपको केवल यही दिखाना चाहता था किस तरीके से हम इस मॉड्यूल का यूज़ करके किसी भी कार जिसका रिसीवर ख़राब हो गया है, ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है, या उसकी रेंज कम आ रही है, तो हम इससे रेंज बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सस्ते मॉड्यूल का यूज़ करके उससे भी आपको रेंज बढ़ा के दिखाएंगे, जिसमें हम पूरी कार को रिपेयर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और भी इनसे संबंधित कुछ बातें हैं, यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक खोल के देख सकते हो। धन्यवाद।